फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन डैमेज हेयर के बारे में बात करेंगे, बालों के खराब होना, बालों का टूटना, बालों का स्प्लिट एंड्स के बारे में बात करेंगे और बेस्ट होम रेमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना, चलिए शुरू करते हैं। अब डैमेज हेयर क्यों होते हैं? एक तो डस्ट है, पोल्यूशन है, रॉन्ग हेयर स्टाइलिंग है, हेयर ट्रीटमेंट है, अलग अलग ट्रीटमेंट लोग फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर के कोर्स जिन्होंने प्रॉपरली नहीं किया वाले उनके पास, ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हैं, ओवरकॉमिंग बाल बार बार जमाना, लोगों को ऐसा लगता है कि बाल बार बार जमाना चाहिए, उससे बालों की ग्रोथ होती है, रूट्स को इरिटेट करना या स्काल्प को इरिटेट करने से बाल बढ़ते हैं ऐसा लोगों को लगता है, इसके लिए दिन भर में कई बार कंघी करते हैं लोग, उसके वजह से बाल खराब होते हैं, नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करना, कभी इधर से मांग निकाल लिए, कभी इधर से मांग निकाल लिए, ये बार बार करना, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना, हेयर कॉस्मेटिक्स यूज करना, हेयर डाई जो अमोनिया और सल्फेट वाले चीजें है वैसे चीजें यूज करना, अनहेल्दी डाइट फॉलो करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, रॉन्ग लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, नींद बराबर से नहीं लेना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, ये सब चीजों से बालों खराब होते हैं। अब वो क्या क्या खराब होते हैं अपन देखते हैं। हेयर डैमेज के टाइप्स, हेयर डैमेज में जो है ना, हेयर जो है एक्चुअली ये क्यूटिकल के टाइप होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे मच्छी के खवे है, इस तरह से बारीक 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 स्ट्रक्चर क्रिएट होकर एक बाल बनता है। उसमें से क्या होता है, अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है और यहाँ पे क्यूटिस को अगर इंजुरी होती है तो वो इंजुरी से मॉइस्चर और डस्ट और पोल्यूटेंट्स अंदर जाकर बाल खराब करते हैं, स्प्लिटेंट्स करते हैं, बाल टूटता है, बाल डैमेज होता है, बाल में ब्रेकेज होता है, ये सब चीजें होती है। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने, मैंने बाल का स्ट्रक्चर बताया हुआ हो, जो कि एक बल्ब जो है, बल्ब के अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ऊपरी स्तर पर क्यूटिस जो कि एक्सटर्नल प्रिकॉशन करती है, एक्सटर्नल मॉइस्चर है, एक्सटर्नल पोल्यूटेंट है, डस्ट को जो प्रिकॉशन करती है वो क्यूटिस होता है, क्यूटिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के टॉपिक में अपन सिर्फ हेयर डैमेज के बारे में बात करेंगे, इसके लिए बल्ब के अंदर या कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर का जो सब्सटेंस है उसके बारे में आज बात करने की जरूरत है नहीं। अब उसके टाइप्स क्या क्या है, एक तो होता है स्प्लिट एंड्स, यानी कि दो मुंह है बाल, जिसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। अब इसमें क्या होता है, जहां से क्यूटिस को ऊपर मार लग जाता है या क्यूटिस जहां से डैमेज हो जाता है वहां से एक हेयर का एक प्लांट, जिस तरह से झाड़ की टहनी तोड़ने के बाद में वहां से दूसरा फाटा फूटता है, उस तरह से बाल के अंदर से भी वापस से दूसरा फाटा फूटता है, उसको स्प्लिट एंड्स बोल सकते हैं। ये बेसिकली दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या जहां पे मार लगा वहां से भी निकल सकते हैं। अब ये क्या होता है कि ओवर कॉम्बिंग की वजह से या बार बार बालों में हाथ फिराने की वजह से या डैमेज होने की वजह से जहां बाल को मार लगता है वहां से स्प्लिट एंड्स डेवलप ज्यादा होते हैं, ये रहता है प्रोसीजर। ओवर प्रोसेस्ड हेयर जो है, जैसा कि ब्लीच कर रहे हैं, बार बार डाइंग कर रहे हैं, एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग टूल यूज कर रहे हैं, हीटर वगैरह स्ट्रेटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां से क्यूटिस डैमेज होना चालू हो जाता है। ये देखिए आप, जैसा मैंने बताया कि ये जो पहला वाला है ये क्यूटिस ऐसा खराब हो चुका है, और सेकेंड वाला जो है वो नॉर्मल क्यूटिस है, जिस जो नॉर्मल हेयर है। अब हेयर डैमेज ड्यू टू हीट, हीट के वजह से क्या होता है कि लोगों का आजकल क्या हो गया है कि बालों के अंदर स्ट्रेटनिंग करना या कर्ली हेयर जिसको है, बाल सीधे करना, ये लड़कियां में और बच्चों में भी, लड़कों में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। इसकी वजह से क्या होता है कि बालों को गर्म किया जाता है। अब जब बालों को गर्म किया जाता है वहां पे एक तो क्यूटिस डैमेज होने का खतरा होता है, दूसरा हीट डैमेज होने का खतरा होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हीट से एक्सपोजर के वजह से एक तो स्प्लिट एंड्स डेवलप होते हैं, दूसरी बात में उसमें कलर में भी चेंजेस आते हैं और डैमेज होता है हेयर। मैकेनिकल डैमेज, जैसे अपन ने बात करे कि भाई बहुत ही कड़क कंघी यूज कर रहे हैं, दिन में से 10 बार कंघी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक तो रूट्स के ऊपर भी और दूसरा शाफ्ट जो हेयर का शाफ्ट है, जैसा मैं बताऊंगा आगे, हेयर का शाफ्ट है उसके ऊपर भी डैमेज होता है, क्यूटिस डैमेज होता है, वहां से स्प्लिट एंड्स डेवलप होते हैं, टैनिंग होती है, लोगों को लगता है कि बाबा कि बाल गुच्छा होने के बाद में ताकत से खींचने के बाद में बाल अच्छे से निकल जाएंगे, जल्दी से अच्छा हो जाएगा, या फिर लड़कियों में आदत होती है कि बालों की चोटी जो है वो बहुत टाइट बांधने से बाल ग्रो होते हैं, ऐसे भी कई मिथ होते हैं जिसकी वजह से भी है मैकेनिकल हेयर डैमेजेस होते हैं। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर एक बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है, ये अपन प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसा कि जो बोरिंग का पानी होता है जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम है, फेरस है, सल्फाइड है, ऐसे जो मिनरल्स होते हैं वो बालों के लिए खतरनाक होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नल के पानी से एक तो बाल धोइए या फिर सॉफ्ट वाटर से पानी से धोइए,
या फिर अगर हार्ड वाटर भी है तो हार्ड वाटर को थोड़ा सा बोरिंग के पानी को एक थोड़ा सा बर्तन में स्टोर करके 6-8 घंटे के लिए रखिए, उसके बाद में उसको बॉइल कीजिए, उसके बाद में आधे घंटे के बाद में सेटल डाउन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर का पानी लीजिए। इससे हार्ड वाटर 100% स्टॉप तो नहीं हो सकता, मगर डैमेज थोड़ा सा प्रिवेंट हो सकता है। इसके वजह से क्या होता है, थिनिंग ब्रेकनिंग होती है, ड्राइनेस है, बालों के अंदर सूखापना वगैरह हार्ड वाटर की वजह से डेवलप होता है। सन डैमेज है, सन डैमेज तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर अगर आप ऑयलिंग प्रिकॉशन वगैरह अगर से बराबर से लेंगे, बराबर से उसको तेल वगैरह लगा के बालों को मेंटेन करेंगे तो हेयर डैमेज भी प्रिवेंट हो सकता है। स्ट्रेस डैमेज, स्ट्रेस जो है आज की डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। स्ट्रेस की वजह से बालों का कलर चेंज होना, बालों का डैमेज होना, ये सब चीजें होती है। केमिकल्स जो है आजकल केमिकल्स इतने कॉमन हो गए कि एन नंबर ऑफ केमिकल है। 2.4 करोड़ रुपए की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सिर्फ हेयर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या हेयर इंडस्ट्री जो बता सकते हैं, जिसके अंदर शैम्पूज आ गए, कंडीशनर्स आ गए, ये सब चीजें है, जो कलर चेंजिंग केमिकल्स है, ये सब चीजें के इतना ज्यादा सेल इंडिया में मार्केट में है। ये केमिकल्स जो है कई जो है वो प्रॉपर FSSAI सर्टिफाइड रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, जो नहीं रहते हैं कुछ छोटे मोटे कंपनीज होती है जो हार्श केमिकल यूज करते हैं, उसकी वजह से भी केमिकल डैमेजेस होते हैं। अब हेयर डैमेज है तो उसको डायग्नोस कैसा किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिशियन जो है आपके हेयर को देखेगा, उसको एग्जामिन करेगा, आपका डाइट लेगा, आपका रूटीन हिस्ट्री लेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, फैमिली हिस्ट्री लेगा, और जो डिसीजेज है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है ये सब चीजें देखेगा। उसके बाद में कुछ ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर मालूम पड़ेगा कि ये मेडिकल कंडीशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है। दूसरा होता है पुल टेस्ट, एक गुच्छा बालों का गुच्छा लेके खींच के देखेंगे कि भाई कितना डैमेज हो रहा है बाल को और कितनी शेडिंग हो रही है, दिन भर में कितने बाल आपके गिरते हैं वो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में स्काल बायोप्सी होती है, एक बायोस्कोप होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, वो माइक्रोस्कोप से रूट्स को जो है स्काल्प को एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद में बालों को एग्जामिन किया जाएगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये ऐसा एक माइक्रोस्कोपिक डिवाइस होता है, ये ऐसा माइक्रोस्कोपिक डिवाइस होता है, ये माइक्रोस्कोप के पिक्चर है। ये माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस आपकी स्किन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपके स्किन के अंदर बैक्टीरिया है या फंगस है या सोरियासिस है या ड्राइनेस ऑफ स्काल्प है, ये अलग अलग डिसीजेस को पहले रूल आउट किया जाता है, उसके बाद में हेयर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। उसके बाद में ये तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होने के बाद में एक रूट जो हेयर का सैंपल लिया जाता है, सैंपल के अंदर बल्ब में प्रॉब्लम है क्या, उसके शाफ्ट में यानी कि बीच के हिस्से में प्रॉब्लम है या उसके एंड में प्रॉब्लम है, ये पहले देखा जाता है, ये चीजें रूल आउट किया जाता है, इसके बाद में उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या करा जाता है, नॉर्मली एलोपैथिक के अंदर कंडीशनिंग है, स्पेशल हेयर डैमेज ऑयल है, जैसा कि अगर स्प्लिट एंड्स है तो उसके लिए अलग हेयर ऑयल है, और शाफ्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो वो अलग हेयर ऑयल है, रूट्स के अंदर अगर इन्फेक्शन है, फंगस है या बैक्टीरिया है, ये रूट्स के लिए या स्काल्प के लिए या स्किन डिसीजेज अगर कुछ है तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स किया जाता है। अब डैमेज टू हेयर के होम रेमेडीज, ये बेस्ट होम रेमेडीज है, प्लीज इसको पूरा देखिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज है बताने जा रहा हूं। आप प्लीज मुझे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट बताइए, अगर यहां तक देखा है तो 100% आप कमेंट कीजिए कि आपको इसके बाद में कौन सा वीडियो चाहिए या कौन सा डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन से डिसीज के होम रेमेडीज चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए। पहला है एग मास्क। एग मास्क सबसे अच्छा चीज है, ये बहुत लोग यूज करते हैं, मगर प्रॉपर वे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक चम्मच जो है वो दही लीजिए, उसके अंदर एक अंडा फोड़ के 2 से 3 चम्मच जो है शहद डालिए, उसको मिक्स कीजिए, उसको बालों के ऊपर अप्लाई कीजिए, 15 से 30 मिनट जो है आधा घंटा उसको रखिए, उसके बाद में शैम्पू कंडीशनर से धो लीजिए। एग मास्क जो है स्प्लिट एंड्स और जो शाफ्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर और बालों के अंदर क्रिएटिनिन यानी प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन इंक्रीज करने के लिए, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा है बनाना, केला, इसके अंदर पोटेशियम होता है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको स्प्लिट एंड्स के लिए एक बनाना लेना है, उसको मैश करना है, उसको अप्लाई करके 1 घंटा छोड़ देना है, उसके बाद में शैम्पू कर लेना, बहुत सिंपल है मगर बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ऑयल,
हेयर ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग जो है ये पूरा इंडियन संस्कृति में बहुत पहले से चले आ रही है, मगर तेल किस तरह से लगाना है लोगों को आज तक ये कल्पना नहीं है या प्रॉपरली लोग लगाते नहीं। एक्चुअली तेल को जो है, चाहे वो ऑयली ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, एलमंड ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो जो आप बालों को लगा रहे हैं, तो पहले उसको एक वाटी में लेके उसको गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म करना है, गर्म करना है, उसको उबालना नहीं है, गर्म करना है, और जितना सुकोष्ण है, जितना गर्म आपको सहन होता है, उतना गर्म गर्म तेल जो है वो लगा के बालों के अंदर जेंटली मसाज करना है। उसके बाद में उसको टॉवल लगा के या कपड़ा बांध के आधे घंटे से एक घंटा उसको छोड़ देना है या रात भर छोड़ देना है, और सवेरे उठ के शैम्पू कर लेना है। लोग नॉर्मली आज तेल लगा रहे हैं, केश किंग हो या बहुत सारा है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, इसके लिए जो भी हेयर ऑयल, जो चाहे आयुर्वेदिक महाभ्रंगराज, भ्रंगराज तेल वगैरह भी कोई अगर यूज करता है तो वो क्या कर रहा है, बॉटल में से डायरेक्ट उंगल लगा रहा है। ठंडी का मौसम है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ऑयल का टेम्परेचर होना और वो जेंटली मसाज करना आपके स्काल्प के ऊपर, उसके बाद में रात भर छोड़ देना, उसके सवेरे उठने के बाद में शैम्पू कर लेना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। मक्खन, बटर, बटर भी है, एक चमचा लेके जो जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसके रूट्स, रूट्स पे लगाना है आपको, बालों की छोटी के जो रूट्स है वो रूट्स पे लगाना है, उसको छोड़ देना है। टाइम टू टाइम बालों के ट्रिमिंग करना है आपको, जो स्प्लिट एंड होते हैं उसको कोने कोने काट देने के बाद में स्प्लिट एंड जब निकल जाते हैं तो जो डिवीजन हो रहा है एनर्जी का और जो ग्रोथ का डिवीजन हो रहा है वो कट होकर स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। सो एनी वीडियो कांट बी, एनी डिसीज कांट बी एक्सप्लेन इन 10 to 5 minutes वीडियो। सेल्फ मेडिकेशन ऑलवेज डेंजरस है, होम रेमेडीज के हद तक ठीक है कि आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, मगर कोई मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह ना लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।